कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टैचू बना है, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान का उससे भी बड़ा स्टैचू बनने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। ऐसा आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल में तो आपको मालूम चल गया होगा कि मैं आ चुका हूँ कुशीनगर के गौतम बुद्ध भगवान मंदिर पे, और ये है कसिया वाला मार्ग जो गोरखपुर वाले रोड को जोड़ता है और ये सीधे चला जाता है देवरिया। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते तो बेशक आइए, क्योंकि यहाँ पे चाइना के लोग भी आते हैं, क्योंकि चाइना का समझते ही हो कि गौतम बुद्ध भगवान क्या है, भगवान है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान का मंदिर है जिसमें वो उन्होंने गौतम बुद्ध भगवान अंतिम सांस लिए थे, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो वहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान का बड़ा सा मूर्ति है जो लेटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टैचू बना है, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान का उससे भी बड़ा स्टैचू बनने वाला है। तो अभी चलते हैं मंदिर पे, वहाँ पे उसकी दृश्य आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुशीनगर के गौतम बुद्ध भगवान का यहाँ पे मंदिर कहाँ पे है, यहाँ पे सारा आपको मैप में दिखाया गया है। देख सकते हैं रामबाड़ स्तूप, कौन कौन से इसमें टेंपल है, सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर। सो फाइनली गाइस, आ चुके हैं मुख्य मंदिर, और अभी अंदर भी चल के आपको पूरा पूरा सीन दिखाएंगे कि वहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान जो है वहाँ पे लेटे हुए हैं, तो वहीं पे विश्राम किए थे, तो वही मुख्य मंदिर है। और यहाँ पे छोटे छोटे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये डिजाइन किया गया है किस प्रकार, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। काफ़ी मतलब जो भी इसमें ईटा यूज किया गया है, ईट यूज किया गया है, वो काफ़ी कई वर्षों का पुराना ईटा है। अगर बात करें गौतम बुद्ध भगवान के स्थल पे घूमने की जगह पे, तो यहाँ पे आपको आई लव कुशीनगर का यहाँ पे बोर्ड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हिरण्यवती रिवर है जो गौतम बुद्ध भगवान यहाँ से पानी पिया करते थे अपने टाइम पे, ठीक है। और यह स्थल जाना जाता है कुशीनगर के नौका विहार, तो यही है कुशीनगर के नौका विहार। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी पानी जो है कितना वो मतलब गंदा हुआ पड़ा है, और अभी पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। और वहाँ पे देख सकते हैं नाव भी लगी हुई है, जो टिकट प्राइस वहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो गाइस, ये है रामाभार स्तूपा देख सकते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध भगवान की मृत्यु हुआ था, तो यहीं पे अंतिम संस्कार हुआ था और उसके ऊपर ये स्तूप बना दिया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं, और स्वच्छता की काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो हाँ, अगर यहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंकते हो तो आपको जुर्माना 5,000 रुपये का देना पड़ सकता है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें 1 जनवरी के दिन अगर 2023 में आते हैं तो। और यहाँ पे देख सकते हैं रामबार स्तूप के बगल में ही आपको यहाँ पे एक कुआं देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, अलग अलग पता नहीं क्या ही है, तो ये कुछ अवशेष बोल सकते हैं या फिर डिज़ाइन बोल सकते हैं रामबार स्तूप के बगल में। और ये देख सकते हैं छोटा सा कुआं आपको देख रहे हैं, छोटा सा कुआं ये देख लो, अभी इसमें पानी है भाई। और ये जो स्तूप बना है ना, जो ईट आपको दिख रहा है, ये उसी समय गौतम बुद्ध भगवान के समय से ही ये ईट है, देख सकते हो काफ़ी पतला पतला ईट है, और इसमें कई लाख संख्या में ईट लगाया गया है। यहाँ पे अभी से ही अभी 1 जनवरी आने वाला है, तो फॉरेनर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो फॉरेनर लोग भी यहाँ पे देखने आते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है कि फॉरेन के लोग भी इंडिया में आ रहे हैं इस तरह के गौतम बुद्ध भगवान का स्थल को देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और ये अंकल जी खड़े हैं, पता नहीं कौन से देश से हैं, अभी बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो चाइना के लोग भी आ रहे हैं, ये चाइनीज है ना, ये देखो अभी से चाइना के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई गाइस, मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और ये है घंटा टेंपल, देख सकते हो गोल्डन कलर का रंगा गया है और बिल्कुल घंटा के अनुसार इसका डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर देख सकते हैं और बहुत सारे मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई हैं, और पूरे ये चाइनीज़ जितने मूर्तियां बनाई गई ना, ये सारे चाइनीज़ है, देख सकते हो यहाँ पे चेहरा दिख रहा है ना, ये सब चाइना के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन परिक्रमा कर रहे हैं इस घंटे का, तो यही जो है यहाँ पे घंटा टेंपल इसका नाम दिया गया है। यह घंटा मंदिर का मुख्य गेट, जिसमें यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, लोग यहाँ पे खड़े होकर सेल्फी लेते रहते हैं, तो काफ़ी गजब का लग रहा है। और सामने से आप देख सकते हैं मंदिर का जो डिज़ाइन तैयार किया गया ना, वो काफ़ी गजब का लग रहा है, देख सकते हो ये है मंदिर का डिज़ाइन। फ्रंट में आपको देख सकते हो यहाँ पे बुद्धा जी का बोल सकते हैं मूर्ति है ही मूर्ति,
और यहाँ पे देख सकते हो कितना गजब का लग रहा है, लुक इनहेंस कर दे रहा है भाई, काफ़ी गोल्डन कलर का मज़ा आ रहा है। ये गोल्डन का नहीं है, गोल्डन का पेंट किया गया है, देख सकते हो। तो भाई आ चुके हैं मंदिर के अंदर, ये देखो इन्हीं की बात कर रहा था ना, ये देखो भारत में है ये बट मंदिर, लेकिन चाइना का भगवान माना जाता है। तो यहाँ पे चाइनीज लोग यहाँ पे देख सकते हैं परिक्रमा कर रहे हैं, और देख सकते हो बाकी पढ़ना है तो ये चाइनीज भाषा में लिखा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देखो एक वो आपको दिख रहा है ना, वो भी मंदिर है। तो उसका डिज़ाइन बिल्कुल देख सकते हो चाइनीज जैसे घर होता है, चाइनीज का जैसे मंदिर होता है उस तरह का डिज़ाइन किया गया है। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे आपको एक और द्वार देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे फिर से गौतम बुद्ध भगवान आपको देखने को मिलेंगे। ये है गौतम बुद्ध भगवान, देख लिए। और नेक्स्ट अभी चलते हैं। और हाँ आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान का बहुत बड़ा विश्व का सबसे टॉलेस्ट प्रतिमा बनने वाला है जल्द ही, तो उसका भी ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। तो अभी और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आते हो मंदिर पे तो आपको इस कुशीनगर मंदिर में हजारों गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा देखने को मिल जाएंगी। और ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना पिलर, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया गया है इस पिलर को, देख सकते हो अंदर इसमें लाइटें जलती है तो रात में तो चार चांद लग जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है भाई। अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो बेशक आओ। और यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे चरण, जो गौतम बुद्ध भगवान के चरण थे यहाँ पे देख सकते हो, ये है गौतम बुद्ध भगवान का चरण, देख सकते हो भाई काफ़ी गजब का लग रहा है। सो भाई पास से बिल्कुल आपको दिखा दे रहा हूँ घंटा मंदिर का, कुशीनगर में ये घंटा मंदिर है और गोल्डन कलर का पेंट किया गया है। और यहाँ सामने देख सकते हो गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा बनाई गई है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वीडियो में खूबसूरत तो लग ही रहा है लेकिन जब यहाँ पर आप आओगे तो उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस समय चाइना के लोग भी यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, और 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे चाइना के लोग भारी भरकम में आते हैं, और यहाँ पे इंडिया के लोग भी भारी भरकम में भीड़ यहाँ पे जुटाए रहते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यहाँ पे अगर आप आते हैं तो स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार कोई हथियार न लाइएगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी है, बिल्कुल चेक किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको पेनाल्टी दिया जाएगा 500 रुपये, और जेल भी जा सकते हैं, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय। तो भाई आप लोग भी गौतम बुद्ध भगवान का नमस्कार कर लीजिए, लाइव दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो पूरा हो जाता है।